एक बार पुनः सभी का स्वागत एवं विद्यार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं। प्राचार्य के पास अपना ऐसी जिम्मेवारी आ जाती है कि उनका एक एक बूंद पसीना और एक एक बूंद खून दिन रात 24 घंटे वो कॉलेज की ओर ही समर्पित होते हैं, तभी वो कॉलेज आगे बढ़ पाता है। और इसमें आपका प्रोफेसर मेहता का बहुत बड़ा सहयोग है, जो आज मारवाड़ी कॉलेज हमारे काठी विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा पत्थर साबित हुआ है। धन्यवाद। टॉपर्स को आपने गोल्ड मेडल दिया, क्या उनके लिए कामना होगी? और वैसे भी विद्यार्थी जो आने वाले समय पर पहले तो उन बच्चों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद है जो बच्चे आज गोल्ड मेडल लिए हैं। ये आज का दीक्षांत समारोह है। शिक्षा के बाद जो दूसरा बात होता है वो होता है दीक्षा। पहले के ज़माने में जब गुरु लोग अपने यहाँ से शिक्षा समाप्त करने के बाद अपने शिष्यों को दीक्षा देकर आगे भेजते थे, उसी तरह हम लोग भी आज यहाँ दीक्षा देकर अपने बच्चों को सुंदर भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आशीर्वचन के साथ उन्हें अब अपने जीवन को नई पद्धति पे शुरू करने के लिए ये दीक्षा दी गई। और ये बच्चे हमारे राष्ट्र के और देश के कर्णधार हैं, इन्हीं के हाथ में हमारा देश जा रहा है। इसलिए बहुत सारी हमारी जिम्मेवारियाँ इनके प्रति है, इन्हें तैयार करने के प्रति है, और इन्हें जो कमी है अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि आने वाले 5 से 7 साल के बाद ये देश उनके हाथ में होगा। ये VC, ये DC सब ये बच्चे हमारे होंगे, तो आज हमें उन्हें तैयार करना है कि कल वो इन चीज़ों को अच्छे से चलाएं, राष्ट्र को संभालें, राष्ट्र को देखा आगे बढ़े। आज के एंकर आप ही हैं और अभी जो प्रोग्राम का कार्यभार भी संभाल रहे हैं, कैसा लग रहा है आज ये चौथा दीक्षांत समारोह में? ये तो एक तीर्थ यात्रा की तरह होता है विद्यार्थियों के लिए और हम शिक्षकों के लिए। इसके आयोजन में जो आनंद आता है, क्योंकि हमारे विद्यार्थी अपनी शिक्षा को यहाँ पूर्ण कर रहे हैं और उस शिक्षा के पूर्ण होने पर उनको एक उपाधि मिलती है। ये चौथा उपाधि सम्मान समारोह है, ये हमारा मारवाड़ी कॉलेज का ये 4th ग्रेजुएशन सेरेमनी है और इसमें पूरे परिसर में हम लोग 4 जगहों पर इसका आयोजन किए हैं। पहला अपने विवेकानंद ऑडिटोरियम में, यहाँ केवल गोल्ड मेडल दिया जा रहा है विज्ञान, कला और वाणिज्य के विद्यार्थियों। इसके अलावे हमारे न्यू बिल्डिंग में आर्ट्स ब्लॉक में कला के विद्यार्थियों को दिया जा रहा है उपाधि। वाणिज्य के सभी विद्यार्थियों को हमारा जो विमेन सेक्शन है वहाँ दिया जा रहा है। सर, जैसा कि आप खुद यहाँ के एक स्टूडेंट हैं और इस स्टूडेंट से लेकर के टीचर से हो करके अभी मंच तक का जो सफ़र है वो कैसा रहा सर? मारवाड़ी से निकल करके कभी पता ही नहीं चला, आज भी मैं विद्यार्थी ही अपने आप को मानता हूँ, समझता हूँ और मारवाड़ी कॉलेज का ही विद्यार्थी मानता हूँ। तो हर पल तो लगता है ये अपना कॉलेज है, अपनी जगह है। यहाँ सारे कार्यक्रमों में सम्मिलित होना बहुत अच्छा लगता है और आनंद आता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
कैसा लग रहा है चौथा दीक्षांत समारोह में आकर के आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ मेरे पुराने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे अभी मुलाकात हो रहा है, सब कहीं ना कहीं अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। सर जैसे कि आप यहाँ के खुद एक स्टूडेंट रह चुके हैं और यहाँ पर अभी आप प्लेसमेंट देखते हैं जो कोई स्टेज में उतना तारीफ हुआ सर, उसको लेकर के और ये जो दीक्षांत समारोह हो रहा है इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत इम्पॉर्टेंट डे होता है स्टूडेंट के लाइफ में, जब उनको डिग्री प्राप्त होता है और जिनको जिन्होंने टेस्ट किया उनको गोल्ड मेडल प्राप्त होता है। और इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स अपने अपने लाइफ में जब बिजी हो जाते हैं तो फिर से जब उनको बुलाया जाता है तो एक आने का मौका मिलता है और सभी सारे दोस्तों से मिलने का मौका मिलता है। सर अपने तरफ से दो शब्द बिना क्वेश्चन का मेरे तरफ से दो शब्द, सबको ऑल द बेस्ट है ना, सब अपने जीवन में आगे बढ़े, सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें और यहाँ के स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट करें ताकि उनको आगे अपॉर्चुनिटीज मिले लाइफ में। धन्यवाद। बाद आप इस डिग्री को प्राप्त करने के बाद जीवन में संघर्ष करने को तैयार हो गए, आपने वो क्षमता प्राप्त कर ली है, आपने आपका बुद्धि इतना विकसित हो चुका है अब कि जीवन में आपके राहों में जब भी कांटे आएंगे, जब भी परेशानियां आएंगी तो आप सक्सेसफुली उनको पार पाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ये जी जो दिन होता है, डिग्री प्राप्त करने का दिन होता है, जीवन का मेमोरेबल दिन, और मारवाड़ी महाविद्यालय बहुत दिन से ये प्रयास कर रहा था कि आपका जो ड्यू है, क्योंकि आप बहुत पहले पास कर चुके हैं, आपका जो ड्यू है ये पहले होना चाहिए था, कतिपय कारणों से, विभिन्न कारणों से नहीं हो पाया, लेकिन पिछले कई महीनों से हम लोगों ने प्रयास किया और प्रयास सक्सेसफुल रहा। आज आपके चेहरे पे जो मुस्कान मैं देखता हूं तो आत्मसंतुष्टि मिलती है। एक बार जोरदार ताली आप अपने लिए बजाएं। आप हैं तो हम हैं, आपका मुस्कान है तो हमारी संतुष्टि है। जीवन में आप प्रगति करें, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।